ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमें बाबा ने ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र देकर बहुत शक्तिशाली योद्धा बना दिया है। महाभारत में, रामायण में स्पष्ट दिखाया है, जिनके पास दिव्य अस्त्र हैं वही बहुत शक्तिशाली हैं। बाबा ने भी हमें दिव्य अस्त्र प्रदान किए, सर्व शक्तियों के, ज्ञान के पावरफुल बाण दिए। जैसे वहाँ दिखाया, किसी के पास सर्प बाण है, किसी के पास अग्नि बाण है, जल बाण है, मन को मोहित करने वाले बाण हैं, ये सब ज्ञान के बाण हैं। हमें बाबा ने ड्रामा की ढाल देकर युद्ध में उतारा है। युद्ध है माया से। स्थूल लड़ाई में भी जब सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में जाना होता है तो वो अपने सभी अस्त्र शस्त्र, खान पान की सामग्री अच्छी तरह साथ ले जाते हैं, गोला बारूद जो भी उन्हें ले जाना है, ताकि युद्ध के मैदान में इन सब की कमी न पड़ जाए। और अच्छी तरह चेक करते रहते हैं कि ये सब हमारे पास है। वैसे ही हम भी यदि माया पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने इन अस्त्र शस्त्रों को जरा रोज सवेरे एक बार स्मृति में ले आया करें। जैसे मेरे पास ड्रामा की पावरफुल ढाल है, शत्रु के हर वार को रोकने में ये ढाल समर्थ है, ये मेरे पास है सदा, ये बहुत हल्की है, इसमें जरा भी वजन नहीं है। दूसरी बात, इस माया दुश्मन पर मेरी जीत निश्चित है, क्योंकि मेरा सुप्रीम कमांडर स्वयं भगवान है, सर्वशक्तिमान है, उसकी गाइडलाइन में, उसकी डायरेक्शन पर हम युद्ध कर रहे हैं। अब तक क्यों इस युद्ध को हम जीत नहीं पाए थे? क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं था। गुरु जो छोटे मोटे कमांडर थे उन्होंने भी हथियार डाल दिए थे। तो याद रखेंगे, सवेरे ही याद दिला देंगे, हमारा सुप्रीम कमांडर स्वयं सर्वशक्तिवान, नॉलेजफुल, जिसे माया के सब दांव पेच का ज्ञान है, जिसे विपरीत सेना की हर चाल का पता है, वो हमारा डायरेक्टर है, गाइड है, उसकी गाइडेंस में हमें युद्ध करना है। हमारे पास योग की बहुत बड़ी शक्ति है, आठों शक्तियां हैं। ये आठों शक्तियां माया के इस युद्ध में हमें हर तरह विजयी बनाने में सक्षम हैं। तो एक एक शक्ति को जरा याद कर लिया करें। मेरे पास संपूर्ण सहन शक्ति है, मेरे पास हर परिस्थिति को सामना करने की शक्ति है, मेरे पास स्वमान की भी बहुत बड़ी शक्ति है, मेरे पास परखने की और निर्णय करने की शक्तियां हैं। इन्हें याद कर लेंगे तो ये इमर्ज रहेंगी, एक्टिव रहेंगी और समय पर ऑटोमेटिकली काम करती रहेंगी। हमारे पास जो ज्ञान के विभिन्न तरह के बाण हैं, दिव्य शस्त्र भी कहें उन्हें, वो बहुत सुंदर हैं। एक एक ज्ञान की बात को याद करके हम में बल आ जाता है, हमारी खोई हुई एनर्जी प्राप्त वापिस लौट आती है। यदि हम कहीं हिम्मत हार चुके हैं, युद्ध भारी चल रहा है, तो ज्ञान की स्मृति हमें पुनः हिम्मत दिला देती है। इसलिए अपने पास 10-12 ज्ञान के सुंदर बाण अवश्य रखने चाहिए। जैसे तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओगे तो मैं 1000 कदम तुम्हारी ओर चलूंगा, तुम जस्ट हिम्मत रखो, मेरी मदद तुम्हारे साथ है। इस तरह के बहुत से ज्ञान के तीखे तीखे बाण हमारे पास हैं। जरूरत है समय पर उनकी स्मृति हो जाए, और स्मृति तभी होगी जब हम उन्हें लिखेंगे, रोज रोज पढ़ेंगे, उनका अभ्यास करते रहेंगे। देखिए, बाणों का यदि अभ्यास न हो तो समय पर हम कैसे चलाएंगे, हमारा निशाना ही चूक जाएगा, तो मारना होगा दूसरे को, लग जाएगा हमें अपने को।
तो इस तरह हम युद्ध के मैदान में विजयी बनेंगे। आज सारा दिन याद रखेंगे, मैं विजयी रतन हूँ, इस माया से अधिक पावरफुल हूँ और मेरा सुप्रीम कमांडर स्वयं भगवान है जो हर समय मेरे साथ है, छत्र छाया बनकर मेरे सिर पर उपस्थित है। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।